तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। किसानों को दोबारा हुआ पोस्टमार्टम, किसानों का पोस्टमार्टम दोबारा किया गया है और लखनऊ से बुलाया गया था पैनल, लखनऊ से पैनल बुलाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है। मांग कर रहे थे मृतक के परिजन को दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, किसानों को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई। लखनऊ से बुलाया गया था पैनल और अब दोबारा उसका उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। पहले पोस्टमार्टम हो चुका था लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। लखीमपुर खीरी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी की इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, लखनऊ से बुलाया गया था पैनल और दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे थे मृतक के परिजन, दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है। अब तो लखनऊ से पैनल आया और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात सामने आ रही है, किसानों का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, लखनऊ से बुलाया गया था पैनल। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से जुड़ा यह मामला है, किसानों का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। तो पोस्टमार्टम हुआ है दोबारा, लखनऊ से बुलाया गया था पैनल, अब पोस्टमार्टम हुआ है। जी हां, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग मृतक के परिजन लगातार कर रहे थे, उन्हें भरोसा नहीं था पहले वाले पोस्टमार्टम पर, जिस तरह से लगातार अब वो मांग कर रहे थे, उनकी मांग को मानते हुए लखनऊ से बुलाया गया था पैनल और अब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ी खबर है, किसानों को दोबारा हुआ है पोस्टमार्टम, लखनऊ से बुलाया गया था पैनल और पोस्टमार्टम कराया गया है। जिस तरह से लगातार मांग उठ रही थी मृतक के परिजन, ये मांग कर रहे थे कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, उसको लेकर लखनऊ से पैनल बुलाया गया, दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और दोबारा ये पोस्टमार्टम हुआ है। तो लगातार इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, लखीमपुर से खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है, दोबारा पोस्टमार्टम किसानों का हुआ है। लखीमपुर हिंसा में जिन किसानों की मौत हुई थी उनका पोस्टमार्टम दोबारा हुआ है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी उनके परिजनों की तरफ से, मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो लखनऊ से पैनल बुलाया गया और दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर है, तो लखनऊ से पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया दोबारा नया पैनल और उसको इजाजत दी गई पोस्टमार्टम की और दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से खबर आ रही है कि किसानों का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है, लगातार ये मांग की जा रही थी कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। जी बिल्कुल, लगातार 3 दिनों से किसानों की ये मांग थी कि जो पोस्टमार्टम लखीमपुर में हुआ है उस पर हमको कतई भरोसा नहीं है, वो जो है मंत्री के दबाव में उसकी रिपोर्ट बनाई गई है। लिहाजा लगातार 2 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम किसानों के नेता भी यहाँ पहुंच चुके थे, आखिरकार प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया था और मानने के बाद कल देर शाम हेलीकॉप्टर से टीम आई है, अलग अलग मेडिकल संस्थानों से जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी टीम यहां पहुंची है। पहुंचने के बाद रात में 3 बजे पोस्टमार्टम उनका किया गया है। हालांकि अभी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है लेकिन परिवार जो है वो अब संतुष्ट हो गया है और अंतिम संस्कार की बात कह रहा है। जी तो बिल्कुल, अब परिवार कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर नजर आ रहा होगा संजय, लेकिन जिस तरह से अब दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, लगातार पोस्टमार्टम चूंकि अभी 1.5 घंटा पहले खत्म हुआ है और हम लोग डॉक्टरों से संपर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी अभी पता नहीं चल पाया है। डॉक्टरों का कहना यह है कि हम बैठ करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको किसी के सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि बहुत जल्द ही ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि लखीमपुर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो सही है या गलत है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संजय हमारे साथ।